नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज आपको मैं दो शॉर्ट मोरल स्टोरी जो कि फनी स्टोरी है वो आपको सुनाने वाला हूं, ट्रांसलेशन करने वाले हैं। तो दो फनी मोरल स्टोरी, यानी कि मोरल स्टोरी तो है, मोरल आपको इससे मिलने ही वाली है, लेकिन स्टोरीज फनी भी हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन स्टोरी है। बहुत ही शॉर्ट है, बहुत जल्दी एंडिंग हो जाएगी, लेकिन बहुत मजा आने वाला है। तो सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं, पसंद आना प्लीज़ लाइक करेंगे। पहले टाइटल देख लेते हैं। टाइटल है ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है। ग्रीन यानी हरी, वेजिटेबल्स यानी सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ। वैसे क्यों टाइटल दिया गया देखिए। पप्पू वॉज एन ओबीडियंट बॉय। पप्पू वॉज यानी था, एन यानी एक, ठीक है। ये आपका आर्टिकल में आ सकते हैं, एन क्यों लगता है, यहाँ पे ए क्यों लगाते हैं, आप सभी को पता है। एन ओबीडियंटली बॉय, ओबीडियंटली इसका मतलब होता है आज्ञाकारी, हर बात मानने वाला, उसे ओबीडियंटली बोलते हैं। ज्यादातर एप्लीकेशन में आप लोग यूज करते होंगे, ठीक है, वही ओबीडियंटली बॉय यानी लड़का। तो क्या होगा, पप्पू एक आज्ञाकारी लड़का था, जिसे हम हिंदी में बालक था ऐसे बोल देते हैं। वन डे, एक दिन, व्हेन ही वॉज टेकिंग डिनर, जब वह वॉज यानी था टेकिंग ले रहा था, क्योंकि वॉज वर्ग के साथ एन जी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रहा था, रही थी। जब वो ले रहा था, क्या ले रहा था, डिनर ले रहा था, लेकिन हम टेकिंग डिनर को डिनर कर रहा था, यानी डिनर यानी क्या होता है, रात का भोजन, उसे डिनर कहा जाता है। तो रात का भोजन कर रहा था ऐसे हो जाएगा, डिनर कर रहा था ही बोल सकते हैं। हिज फादर टोल्ड हिम टू ईट ऑल द ग्रीन थिंग्स। हिज फादर, उसके पिता ने टोल्ड हिम यानी उसे, टोल्ड यानी कहा, टेल यानी कहना, उसका पास्ट एंड टोल्ड, उसे कहा टू ईट यानी खाने के लिए। ऑल द ग्रीन थिंग्स, ऑल यानी सभी, द ग्रीन थिंग्स यानी हरी चीजों को, थिंग्स यानी चीजों, सर्व्ड, सर्व्ड यानी जिसे क्या करते हैं, परोसा जाता है, ठीक है। एज दे कंटेन सफिशियंट विटामिन्स एंड मिनरल्स। एज दे यानी वे, जिससे वे क्या करते हैं, कंटेन, क्या करते हैं, कंटेन, कंटेन यानी क्या होता है, कंटेन का मतलब इसमें होता है कि उसमें निहित होते हैं, उसके अंदर होते हैं, उसे कंटेन बोलते हैं। सफिशियंट, सफिशियंट यानी पर्याप्त, काफी मात्रा में, विटामिन, ये तो आपको पता है, एंड और मिनरल्स, जिसे हम खनिज बोलते हैं ना, विटामिन और खनिज पदार्थ, वो मिनरल्स होते हैं। तो यही बोला गया पूरे सेंटेंस में, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में क्या होते हैं, विटामिन और खनिज होते हैं हरी सब्जियों में। जो भी हरी चीजें होती उसे खाना चाहिए। फिर क्या हुआ देखिए, विच आर गुड फॉर हेल्थ। विच आर, तो जो, आर यानी है, गुड यानी अच्छा, फॉर यानी के लिए, हेल्थ यानी स्वास्थ्य के लिए, या फिर सेहत जिसे कहते हैं, जो सेहत के लिए अच्छा है। आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर यानी के बाद, ठीक है, फ्यू यानी कुछ डेज यानी दिनों, कुछ दिनों बाद, पप्पूज मदर सर्वड हिम डोसा एंड सांभर, ठीक है। पप्पूस मदर यानी पप्पू की माँ, अपोस्ट्रोफी काकी के, पप्पूस यानी पप्पू की माँ, सर्व, सर्व यानी परोसी है ना, परोसना, निकाल के देना, हिम यानी उसे, डोसा एंड सांभर, तो उसे डोसा एंड सांभर, आपसे भी पता है डोसा सांभर क्या होता है, उसे क्या किया, एक ये भी बताने वाला हूं, परोस दी। उसके बाद क्या हुआ, ऑन अ बनाना लीफ, ऑन यानी पर, ठीक है, अ बनाना लीफ यानी एक केले के पत्ते पर, एक केले पत्ते पर क्या किया, डोसा सांभर परोस दी। साउथ में तो आप सभी को पता है वैसे ही होता है। आफ्टर फिनिशिंग डोसा एंड सांभर, आफ्टर यानी के बाद, फिनिशिंग यानी खत्म करने के बाद, फिनिश करने के बाद, डोसा एंड सांभर को खत्म करने के बाद, पप्पू स्टार्टेड ईटिंग द बनाना लीफ ऑल्सो। देखिए, पप्पू स्टार्टेड, पप्पू ने शुरू कर दिया ईटिंग यानी खाना, ठीक है, क्या खाना शुरू कर दिया, द बनाना लीफ ऑल्सो यानी बनाना यानी केले के पत्तों को भी, ऑल्सो यानी भी, केले के पत्तों को भी खाना शुरू कर दिया। डोसा सांभर तो खाया, और जिस केले के पत्ते में दिए थे ना उसे भी खाना शुरू कर दिया। When his father asked the reason, जब उसके पिता ने asked यानी पूछा, the reason यानी कारण, जब उसके पिता ने कारण पूछा, he said, उसने कहा, father, पिता, डोंट यू रिमेंबर, डोंट यू, क्या आपको रिमेंबर यानी याद नहीं है, डोंट यू रिमेंबर यानी क्या आपको याद नहीं है, यू हैड टोल्ड मी, आपने मुझसे कहा था, ठीक है। तो यहां पे आपको हैड और टोल्ड, टेल का पास्ट टेंस, टोल्ड थर्ड फॉर्म, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, चुका था, लिया था, कहा था, इस प्रकार से। यू हैड टोल्ड मी, आपने मुझसे कहा था टू ईट, खाने के लिए, ऑल द ग्रीन थिंग्स सर्व्ड,
ऑल द ग्रीन थिंग्स यानी सभी हरी चीजों को सर्व यानी जो परोसा जाए सभी ही हरी चीजों को आपने खाने के लिए कहा था, इसलिए भैया क्योंकि केले का पत्ता हरा था तो मैंने सांभर डोसा खाने के बाद केले के पत्ते को भी खा लिया, मुझे विटामिन मिनरल्स तो मिलेंगे ही। तो देखिए भाई यहाँ पे उसने ऐसा जवाब दिया, तो इससे मोरल क्या मिलता है, देखिए नॉट ओनली लिसन है ना, नॉट यानी न केवल, ओनली यानी केवल लिसन, सॉरी यहां पे लिखा हुआ है लिटरल, क्या लिखा हुआ है लिटरल लिखा हुआ है, लिटरल का मतलब क्या होता है शब्दशः मतलब क्या होता है एक एक शब्द एक एक जो अक्षर लिखा हुआ है उसको रिपीट करना, यानी जो जो शब्द कहा गया है बिल्कुल उसको ध्यान नहीं देना, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड लेकिन कोशिश कीजिए टू अंडरस्टैंड यानी समझने की द एक्चुअल मीनिंग यानी उसकी असली अर्थ मतलब उसका सच्चा अर्थ एक्चुअल मीनिंग वास्तव अर्थ जो होता है ऑल्सो यानी भी ऑफ एनी स्टेटमेंट ऑफ यानी का एनी यानी किसी भी स्टेटमेंट यानी होता है जो भी उसका कथन है जो भी वाक्य कहा गया जो भी बोला गया है तो उसे केवल अक्षर सा उसे मत पढ़ो कि ये लिखा गया इसका मतलब ये है, उसे क्या करो समझने की भी उसका वास्तविक जो मतलब है उसे भी आप समझने की कोशिश करो कि वो कहा क्या गया, उसने कही कि हरी हरी चीजों को खानी चाहिए जो भी देते हैं, तो भाई जो भी मान लीजिए हरा रंग के आपको पॉलीथिन में दे देंगे तो क्या हरा रंग के पॉलीथिन खा लोगे क्या आप, नहीं। अब उसने जो जो कहा था उसे लिटरल कहते हैं शब्द सा एक एक शब्द भैया वैसे मत बनो उसे समझने की भी कोशिश करो, ठीक है। पहला स्टोरी आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करेंगे, सेकंड बढ़ते हैं, सेकंड तो और अच्छा है, स्पीच ऑफ द लीडर, स्पीच यानी जो भाषण होता है ऑफ यानी का द लीडर यानी नेता का भाषण, ठीक है नेता का भाषण, नेता भाषण दे रहा है तो क्या होता है, ये भी बहुत छोटी है इसलिए मैं दो स्टोरी लेकर आया हूं, चाहे तो एक ले आता हो जाता काम लेकिन भाई इतनी छोटी भी क्या करेंगे, दो लेके आता हूं, समय तो आप लोग के पास वैसे भी आप बोलते हैं थोड़ा सा लंबा बनाइए तो बहुत लंबा तो नहीं है लेकिन मीडियम है, देखते हैं ये क्या है। अ लीडर वॉज गिविंग अ स्पीच, एक नेता वॉज गिविंग तो ये आपका क्या हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, दे रहा था अ स्पीच यानी एक भाषण, एक नेता एक भाषण दे रहा था, इट वॉज सो लॉन्ग, वो है ना ये या फिर वे ऐसे बोलते हैं यह या फिर वह दोनों बोलते हैं, वह था सो लॉन्ग यानी बहुत लंबा, वो बहुत लंबा था उसका जो भाषण था बहुत लंबा था, दैट कि द ऑडियंस स्टार्टेड हूटिंग, कि ऑडियंस यानी क्या होता है श्रोतागण जो सुनने वाले होते हैं ना श्रोता उसे ऑडियंस बोलते हैं, स्टार्टेड हूटिंग यानी उन्होंने क्या शुरू कर दिया हूटिंग, हूटिंग का मतलब क्या था हूट करना शोर मचाना, जैसे बोलते हैं ना चिल्ला चिल्ला रहे ऐसे वो दुनिया भर का हूटिंग करना उसे हूटिंग होता है, शोर मचाना शुरू कर दिया, एट फर्स्ट यानी शुरुआत में उसे एट फर्स्ट बोलते हैं, द लीडर डिडंट केयर द हूटिंग, द लीडर नेता ने डिडंट केयर यानी उसने ध्यान नहीं दिया, डिडंट केयर यानी ध्यान नहीं दिया द हूटिंग उस शोर को ध्यान नहीं दिया शुरू शुरू में, बट सून लेकिन जल्दी ही द क्राउड कंपेल्ड हिम, द क्राउड यानी भीड़ ने क्या किया कंपेल्ड, अब कंपेल्ड का मतलब क्या होता है कंपेल्ड मतलब मजबूर कर देना किसी को, हिम यानी उसे मजबूर कर दिया टू स्टेप डाउन यानी होता है नीचे उतरने के लिए, नीचे उतरना नीचे कदम बढ़ाना, तो उसे स्टेप डाउन नीचे उतरने के लिए फ्रॉम द स्टेज, फ्रॉम यानी से द स्टेज यानी मंच से, ठीक है मंच से नीचे उतरने के लिए मजबूर कर दिया किसने भीड़ ने, When he returned to his office, जब वह लौटा to his office मतलब अपने कार्यालय जिसे हिंदी बोलते हैं office बोलेंगे हिंदी बता रहा हूं कार्यालय, जब अपने office लौटा he scolded, ठीक है उसने क्या किया scolded his secretary, अब scolded का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है डांट लगाना, क्या लगाना डांट लगाना, तो उसने डांट लगाई his secretary, secretary का मतलब क्या होता है जो सचिव बोलते हैं ना जो साथ में रहते हैं उसका सचिव उसे secretary कहा जाता है, अपने सचिव को डांट लगाई who told you to write such a long speech, who told you यानी तुम्हें, ठीक है किसने कहा, who यानी कौन भी होता है किसने के लिए भी यूज करते हैं, तुम्हें किसने कहा to write यानी लिखने के लिए such यानी ऐसा a long speech है ना, अलॉन्ग यानी एक लंबी स्पीच यानी भाषण, तुम्हें किसने कहा ऐसी लंबी स्पीच यानी लंबा भाषण लिखने के लिए, सर अब उसका सेक्रेटरी क्या बोल रहा है सर महोदय एक्चुअली में वास्तव में असलियत में द स्पीच वॉज शॉर्ट, जो भाषण था शॉर्ट यानी छोटा था, भाषण तो छोटा था बट लेकिन मिस्टेकनली, ठीक है यहां पे क्या लिखा हुआ है मिस्टेकनली मतलब क्या होता है मिस्टेक जैसे बोलता है भाई मिस्टेकनली इसका मतलब होता है गलती से भूल से,
आई गेव यू, मैंने आपको दिया था क्या दिया था, ऑल द फोर कॉपीज ऑफ इट, ऑल द फोर कॉपीज यानी उसकी चारों कॉपी, यानी चार फोटो कॉपी जो होता है ना, ऑफ इट यानी उसकी चारों कॉपी मैंने आपको धोखे से दे दी थी, जबकि स्पीच एक पेज में छोटी सी थी, एक ही पेज की थी, लेकिन धोखे से मैंने आपको चार कॉपी दे दी थी और आपने क्या किया, चारों को पढ़ना शुरू कर दिया, एक खत्म हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, बीच में टोक भी नहीं सकते थे, तो इस प्रकार से भाषण छोटा था। इससे हमें क्या मोरल मिलती है, देखिए, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम अदर, यू कैन, आप क्या कर सकते हो, टेक यानी ले सकते हो, हेल्प यानी मदद, सहायता, फ्रॉम अदर यानी दूसरों से, आप दूसरों से सहायता ले सकते हो, बट लेकिन मोस्टली यानी अधिकतम, ज्यादातर, अधिकतर या फिर ज्यादातर, यूज योर ओन ब्रेन, यूज यानी उपयोग कीजिए, योर यानी आपका, ओन यानी खुद का, ब्रेन यानी दिमाग, ठीक है, आप दूसरों की मदद ले सकते हो लेकिन ज्यादातर आपको आपके खुद के दिमाग का उपयोग करना चाहिए। भाई उसने तो लिख के दे दिया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन जब आपने एक स्पीच पढ़ी, दूसरी स्पीच पढ़ी, चलो कोई बात नहीं, तीसरी स्पीच पढ़ी, तब तो आपको समझ आना चाहिए था कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन भाई वही कहा गया ना कि नकल के लिए भी अकल चाहिए, बस पढ़ते गए ऐसे रहता भी किस काम के भाई, तो दूसरों की मदद लीजिए, ठीक है, उसने मदद दिया, हो सकता है बहुत से लोग स्पीच लिखना नहीं आता है, उसने तो वही लिखा गया, हेल्प ले लो भाई दूसरे की, लेकिन ज्यादातर आप अपना कोशिश कीजिए कि अपने दिमाग लगाने का, हाँ आपसे नहीं हो पा रहा है हर फील्ड में, तो हर आदमी सक्सेस मतलब उसमें मतलब पारंगत नहीं हो सकता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, दूसरे से सहायता मांगते हैं, तो सहायता ले सकते हो, लेकिन ज्यादातर अपने दिमाग से काम लीजिए। तो ये स्टोरी का मोरल था, तो दोनों स्टोरी आपको कैसे लगी, फनी स्टोरी थी, मोरल भी आपको मिला इससे, तो थोड़ी भी पसंद आई हो, यहाँ पे आप देख सकते जो पत्ता को खा रहे, साउथ इंडियन का भी पहचान भी है, तो इससे भी सीख मिलती है कि जो कहा गया बिल्कुल वैसे ही मत करो, ठीक है, हो सकता है कोई मजाक से कुछ बोल दे कि जा जा कुआं में कुछ जा, मजाक से बोल दिया क्या कुआं में कुछ जाओगे क्या, वो किस लिए बोल रहा है, कई बार ऐसे होता है मजाक में बोलते कुछ बोलते, तो समझना चाहिए बोलना क्या चाह रहे हैं, बात का मतलब क्या है, तो इस टाइप से हमें बातों को समझना चाहिए। और सेकंड स्टोरी में हमें क्या मोरल मिली, अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। तो ये थी आज की स्टोरी, थोड़ी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। स्क्रीनशॉट आजकल मैं ही आपको फेसबुक, इसके अलावा यूट्यूब कम्युनिटी में दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।